Hello friends, welcome to Mission IAS. Now friends, in this video you are getting the 12th list of the most expected MCQ जिसके बहुत ही ज़्यादा आने के चांसेस हैं आपके आने वाले प्रीलिम एग्जाम में। ये हमारे 360 पैक के क्वेश्चन हैं जिसमें से मैं आपको 10 क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, अकॉर्डिंग टू द सिक्स शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फर्स्ट स्टेटमेंट टू मेक लॉज ऑन सर्टेन शेड्यूल। देखिए, फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल एंड टेंथ शेड्यूल यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट है, राइट। To make laws on certain specified matters like land, forest, canal, water, village administration, inheritance of property, social customs and so on, these require assent of the governor. नहीं क्या गवर्नर की वहाँ की जो स्टेट्स है, नहीं जहाँ पे भी सिक्स शेड्यूल के अंदर जो भी स्टेट्स आते हैं लाइक असम, मणिपुर, मेघालय, तो वहाँ पे वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को कुछ चेंजेस करने के लिए, उस इन सब्जेक्ट पे लॉज बनाने के लिए गवर्नर की असेंट ज़रूरी है, या बाकी दूसरे स्टेटों में जरूरी नहीं है, राइट। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है। सेकेंड, द डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल आर एम्पावर्ड टू कलेक्ट टैक्सेस, ये भी सही है। लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट है, जुडिशियल पावर, ट्रायल ऑफ द सूट्स एंड केसेस बिटवीन द ट्राइब्स वेयर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट ओवर दिस सूट्स एंड केसेस इज स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट नहीं बल्कि गवर्नर है, राइट। यहाँ पे गवर्नर आएगा, तो फर्स्ट एंड टू इज द राइट ऑप्शन, राइट स्टेटमेंट। सो आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। यू कैन रीड हियर, यहाँ पे एक्चुअली में यहाँ पर प्रेसिडेंट है, यहाँ पर एक्चुअल राइट है, गवर्नर रहेगा, लेकिन उन्होंने प्रेसिडेंट कर दिया। इस तरीके से जरा सी एक कीवर्ड बदल के यूपीएससी रॉन्ग स्टेटमेंट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम रिसेंट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन 103। देखिए, मैं आपको बता दूँ कि जो रिसेंटली हेल्ड एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है अबो 90 टिल नाउ, राइट, तो उसको आप देख लो किसके लिए है वो, राइट। तो 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, बिल्कुल राइट है। 103 का अमेंडमेंट के जरिए जो ओपन कैटेगरी में थे उनको 10%, लेकिन एक ओपन कैटेगरी में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको 10% रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मिलेगा। सेकेंड, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट स्टेटस टू द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस लाइक ओबीसी वगैरह, ये भी राइट है। एंड 101 इंट्रोड्यूस द जीएसटी, ये भी राइट है। फोर्थ स्टेटमेंट, दैट 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव टेरिटरीज विद बांग्लादेश एंड कन्फर्मेंट ऑफ सिटीजन राइट टू द रेसिडेंस ऑफ इनक्लेव। मोदी गवर्नमेंट ने आते ही जो बहुत पिछले 30-40 सालों से जो पंगा बांग्लादेश से चल रहा था उसको रिजॉल्व किया, राइट। तो ये भी स्टेटमेंट राइट है, तो इसका आंसर आ जाता है 1, 2, 3, 4, ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। यू कैन रीड हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली पार्लियामेंट पास बिल टू स्क्रैप डाउन आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A। सो आर्टिकल 370 पे और आर्टिकल 35 बहुत ही न्यूज़ में रहा, तो हो सकता है इस पे क्वेश्चन आ जाए। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 370, एक्सेप्ट फॉर डिफेंस, फॉरेन अफेयर, फाइनेंस, कम्युनिकेशन, पार्लियामेंट नीड्स द स्टेट गवर्नमेंट कंकरेंस फॉर अप्लाइंग ऑल द अदर लॉस, राइट। यानी कि जो जम्मू कश्मीर के पास ये पावर था आर्टिकल 370 के तहत कि वो लाइक फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन को छोड़ के सारे जिमेटर में स्टेट गवर्नमेंट से रजामंदी लेना ज़रूरी थी उसकी। फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है, लेकिन अब आर्टिकल 370 को ही खत्म कर दिया, तो आप इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, थ्रू द आर्टिकल 35A पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इंजॉय द ड्यूअल सिटीजनशिप, ये भी राइट है। थर्ड, आर्टिकल 370 इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नो। अगर कोई पार्ट, कोई हिस्सा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो उसको अमेंडमेंट हो नहीं सकता, उसका अमेंडमेंट नहीं हो सकता, इवन उसको निकालना तो दूर, उसका अमेंडमेंट भी नहीं हो सकता। लेकिन गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने तो आर्टिकल 370 को निकाल फेंका, स्क्रैप डाउन कर दिया, राइट। तो स्टेटमेंट 1 and 2 इज राइट ओनली, ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। यू कैन रीड हियर। मूविंग फॉरवर्ड, न्यू बैचेस फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2021, 2022 and 2023 एस्पिरेंट्स दैट बिगिंस फ्रॉम द 25th January, राइट। अगर आप इस साल 27 जून के प्रीलिम में बैठने वाले हो, या एक साल का 2021 का टारगेट रख रहे हो, या 2022 का, तो अनअकैडमी ने कम से कम लाया आपके लिए 6 महीने का बैचेस, 1 साल का और 2 साल का बैचेस। अब इसमें होगा क्या, इनका फुल प्रोग्राम जानिए कि इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 6 महीने के बैचेस को आप सब्सक्राइब कर दिए, तो आपको प्रीलिम का कंप्लीट सिलेबस कवरेज करके दिया जाएगा बाय अनअकैडमी टॉप एजुकेटर, एंड द प्रीलिम टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस होगी। देखिए, यूपीएससी एग्जाम को पास करने के लिए आपको दो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है, एक तो प्रॉपर एंड राइट गाइडेंस, एंड दूसरा जो है कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। ये दोनों ही चीज़ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। लेक्चर ना सिर्फ हिंदी या इंग्लिश में होगी बल्कि हिंदी में भी होगी, और साथ साथ में आपको पीडीएफ स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा।
सो इस कोरोना काल में जहाँ पर सारी कोचिंग क्लासेस ऑफ है, तो इस सुनहरा मौका मौके का फ़ायदा उठाइए और अपने मोबाइल के ज़रिए ऑनलाइन स्टडी का करके फ़ायदा उठा के अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए, राइट। तो सेम प्रोग्राम है इसमें, प्रिलिम कम एक साल का जो बैच है, आप ज़्यादा वक्त मिल रहा है तो प्रिलिम कम मेन सिलेबस कवरेज होगा, लाइव क्लासेस होगी बाय अन अकेडमी टॉप एजुकेटर, प्रिलिम टेस्ट सीरीज विथ वैल्यूएशन होगा, इसके अलावा डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा, यानी कि आपको कोई भी डाउट्स है, प्रॉब्लम्स है तो आप पूछ सकते हो, वो दे तो एजुकेटर आपके प्रॉब्लम को रिजोल्व करके देगा, राइट। तो अगर आप बिना देर किए हुए, इसके अलावा एनसीईआरटी बैचेस भी है फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स, क्योंकि एनसीईआरटी, देखिए एनसीईआरटी का अगर आपने अच्छे से पढ़ रखी है तो आप कितना भी आगे का, क्योंकि सारी चीज़ें यूपीएससी का प्रीलिम और मेंस का सिलेबस है ना, एनसीईआरटी पे ही स्टैंड है। एनसीईआरटी आर द पिलर्स ऑफ द यूपीएससी प्रिपरेशन। सो द कंप्लीट एक्सेस टू ऑल द ऑन गोइंग एंड कंप्लीट कोर्सेज, सो इनरोल इन द बैचेस एंड गेट एक्सेस टू द फुल एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन बेनिफिट। आपको क्या इसके अलावा प्रीलिम एंड मेन टेस्ट, मेंस टेस्ट सीरीज मिलेगी विद एनालिसिस एंड डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया जाएगा, मेंटरशिप एंड गाइडेंस सेशन होगा, इंडियाज बेस्ट एजुकेटर कवरिंग द सिलेबस एग्जॉस्टली। सो बिना देर किए हुए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके आप इस कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो कि 2 साल का कोर्स है 72,000 रुपये, 72,000, तो 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा इस कोड के डालते ही MIYT10। अगर आप 6 महीने का कोर्स ले रहे हो 40,000 पे करना पड़ेगा, लेकिन एक कोड अगर अप्लाई करोगे तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट यानी मात्र 36,450 ही पे करना होगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट द KYC इन एनी बैंक। अब देखिए यूपीएससी जनरली जो हमारे जो लाइफ से रिलेटेड चीज़ है ना, उस पर क्वेश्चन कर रहा है। तो KYC नो का फुल फॉर्म क्या है, नो योर कस्टमर, इज टेकन फॉर आइडेंटिटी पर्पस एंड डेमोग्राफिक डिटेल्स ऑफ कस्टमर्स, कि कस्टमर का नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और उसका कहाँ पर रहता है, इसलिए KYC की जाती है। सेकेंड, फॉर KYC ओनली आधार इज कंसिडर्ड एज अ वैलिड डॉक्यूमेंट, ओनली दैट ओनली मेक दिस स्टेटमेंट रॉन्ग, एनी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट आधार ही नहीं चाहिए, उसके अलावा राशन कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी चल सकता है, राइट। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, यू कैन रीड इट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स EVM इन न्यूज, इट रन्स ओनली ऑन इलेक्ट्रिसिटी। मोस्टली जब ओनली आए तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग होने, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं चलती है बल्कि वो अल्कलाइन बैटरी भी चलती है, राइट, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ना हो, जैसे मोस्टली ट्राइबल एरियाज में आज भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वहाँ पे भी EVM मशीन काम कर सकती है। सेकेंड, इन 2004 EVMs वर यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन में पहली बार 2004 से यूज हो रहा है, बिल्कुल राइट है। थर्ड, इन 1999 दे वर यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इंटायर स्टेट फॉर द पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। सबसे पहले ये गोवा में यूज हुआ था, राइट, सबसे पहले केरला में यूज हुआ था, लेकिन पूरे इंटायर असेंबली इलेक्शन में गोवा में यूज हुआ था, राइट। सो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट में तो बचा क्या, ओनली टू, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओनली, यू कैन रीड हेयर। तो सबसे पहले जो इसका इस्तेमाल हुआ EVM मशीन का, वो 1982 में हुआ केरला असेंबली इलेक्शन को, भी बाय इलेक्शन हो रहा था। बाय इलेक्शन मतलब जो कि किसी की सीट इलेक्शन, कोई लीडर मर गया तो उसकी जगह पे होता है। सो हाउएवर SC स्ट्रक डाउन द, सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द इलेक्शन सिंस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में अमेंडमेंट किया गया 1988 में, 1988 टू अलाउ द यूज ऑफ EVMs। सो इन 1999 में इट वॉज फर्स्ट यूज फर्स्ट टाइम फॉर द इंटायर स्टेट गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, गोवा के कंप्लीट गोवा लेजिस्लेटिव इलेक्शन में पहली बार इसका यूज हुआ, इंटायर गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, और लोकसभा में पहली बार इसका 2004 से कंटिन्यू इस्तेमाल हो रहा है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट ऑफ डॉवर इज लोकेटेड बिटवीन द, आंसर इज बी इंग्लैंड एंड फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। इट इज अ ज्योग्राफिकल क्वेश्चन, इट इज अ लो प्रेशर जोन लोकेटेड एट द इक्वेटर वेयर द ट्रेड विंड्स कन्वर्ज, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इन दिस जोन एयर टेंड्स टू डिसेंड, एक एक कीवर्ड्स पे आपको फोकस करना है। इन दिस जोन एयर टेंड्स टू असेंड, ऊपर बढ़ती है, कम नहीं होती है, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट को रॉन्ग कर दो, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर है, यहाँ पे है, 50% राइट मिल गया आपको, या तो ए होगा या तो सी होगा। थर्ड, इन जुलाई इट इज लोकेटेड अराउंड द 20° नॉर्थ एंड 25° नॉर्थ लैटिट्यूड, ये भी सही है, तो आंसर इज सी 1 एंड 3, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इंडिया विल सून गेट अ मेंबरशिप ऑफ GFXC, इसका फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज कमेटी।
ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज कमेटी के बारे में आप जानिए, इट इज अ फोरम ऑफ सेंट्रल बैंकर्स एंड एक्सपर्ट्स वर्किंग टुवर्ड्स द प्रमोशन ऑफ द रोबस्ट एंड ट्रांसपेरेंट फॉरेक्स मार्केट। और फॉरेक्स मार्केट क्या है? द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन किसी भी कंट्री का फॉरेक्स मार्केट के जरिए ही होता है, राइट। तो रिसेंटली इंडिया विल सून, जल्दी इंडिया बनने वाला है GFXC का मेंबर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, वेरी इंपॉर्टेंट। एक आध क्वेश्चन तो UPSC जनरली बैंक पे पूछता ही है। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये राइट है, ये अंडर पब्लिक कंपनीज एक्ट के अंदर आता है। इट विल नॉट ऑफर एनी ATM डेबिट कार्ड, लाइक इंडिया पोस्ट पेमेंट का, जबकि इट विल ऑफर अ डेबिट कार्ड, राइट, ये आपको ATM कार्ड देता है। थर्ड, सॉरी आई हैव टू मेक दिस स्टेटमेंट करेक्ट, इट विल नॉट ऑफर एनी क्रेडिट कार्ड, राइट, वो कोई क्रेडिट कार्ड नहीं देता है, ये राइट है, डेबिट कार्ड देता है वो, यानी हमारा जो नॉर्मल ATM कार्ड है वो देगा, क्रेडिट कार्ड नहीं देगा। इट विल प्रोवाइड द QR कोड बेस्ड बायोमेट्रिक कार्ड एंड गिव क्रेडिट कार्ड्स, सो क्रेडिट कार्ड तो बिल्कुल नहीं देगा, राइट। इट विल प्रोवाइड QR कोड, सो द राइट आंसर इज ओनली 1 and 2, इट विल नॉट। देखिए पेमेंट बैंक्स पे जनरली क्वेश्चन आ रहा है, पेमेंट बैंक्स डिपॉजिट अकाउंट आपको ओपन करके देगा, आपको लेन देन का सेविंग अकाउंट ओपन होगा, डेबिट कार्ड देगा, ATM कार्ड देगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड नहीं देगा। क्रेडिट कार्ड मतलब उधार, यानी कि लोन नहीं देता है। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज राइट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन रीड हेयर अबाउट दैट होल स्टेटमेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसिडर द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इन इंडिया, महादेव हिल्स, सातमाला हिल्स, कैमूर हिल्स एंड रामगढ़ हिल्स, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द अबो रेंजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में। देखिए कैमूर सबसे लास्ट में आएगा, राइट, तो इसका राइट आंसर है, सबसे पहले आएगा सातमाला हिल्स, सबसे वेस्ट में सातमाला हिल्स है, फिर महादेव हिल्स है जो कि मध्य प्रदेश और गुजरात, सॉरी महाराष्ट्र के करीब आता है, देन लास्ट में आएगा फिर कैमूर हिल आएगा, और लास्ट में आएगा रामगढ़ हिल। सो 2, 1, 3, 4 इज द राइट आंसर। लाइक द पेनिनसुलर रीजन कंसिस्ट ऑफ मेनी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस लाइक अरावली, सातमाला, अरावली सबसे वेस्ट में, फिर सातमाला, फिर अजंता, महादेव, माइकल, कैमूर, गारजत एसेट्रा, द रिलेटिव ऑर्डर इज द सातमाला, महादेव, कैमूर, रामगढ़, हेंस करेक्ट ऑप्शन इज बी। सो आई होप IAS एस्पिरेंट यू एंजॉय दिस वीडियो, और उसमें से एक आध क्वेश्चन आपके प्रीलिम में आ जाए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।